हमारी सारी वाटर बॉडीज को जबरदस्त ढंग से प्रभावित करेगी, उस पर बात करेंगे कल आने वाले कल। जो मेन वेटलैंड डे है इंटरनेशनली मनाया जाएगा, उससे पहले आज शाम को इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा, यूनाइटेड नेशंस की सारी बॉडीज द्वारा, वेटलैंड इंटरनेशनल, रामसर कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, इनके सबके हेड्स एक साथ इकट्ठे होंगे, मतलब वेबिनार में होंगे, एक अपनी अपनी जगह से बोलेंगे, और वो यूट्यूब के माध्यम से आज 7:30 बजे इंडियन टाइम, 7:30 बजे यूरोपियन टाइम करीब 3 बजे वहां शुरू होगी। तो उस वेबिनार को आप जरूर से सुनिएगा। और इस वेबिनार, ये जो चारों वेबिनार्स हैं, ये 3 वेबिनार जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जो ये इंटरनेशनल वेबिनार है, चारों को मिलाकर हम कुछ प्रश्न जो है उसमें पूछ रहे हैं, जो भी एनवायरमेंट क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इन बातों को सुने। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो इसमें ऐसी कोई बहुत ज्यादा रट्टा वाली चीज हम उसमें क्विजेज में नहीं कर रहे हैं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं। सो जस्ट अंडरस्टैंड देम। और ये जो टॉक्स है ये तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन इंटरनेशनल वेबिनार जो है वापस आपको यूट्यूब पे शायद ना मिले। सो जस्ट प्लीज इनको अटेंड करिएगा, सुनिएगा। और इसका क्विज वीज का उद्देश्य मात्र ये है कि आपके मन में बात गहराई तक पहुंचे और आप उसको थोड़ा सा सीरियसली लें, इसलिए दैट इज जस्ट लाइक काइंड ऑफ अ मोटिवेशन कि आप भी सुने। तो आज की हमारे वक्ता है डॉक्टर एबी गुप्ता। ही इज आईआईटियन एंड ही हैज बीन वेरी सीरियसली वर्किंग ऑन वैरायटी ऑफ वाटर इश्यूज, और जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है उनके ऊपर काफी आपका गंभीरता से रिसर्च है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपका कनेक्शन है, बेस्ट ऑफ दी टेक्नोलॉजी आप डेवलप करते रहते हैं, इज अ कंसल्टेंट इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन इस सब्जेक्ट पे, इज डेफिनेटली वेरी वेरी बिजी। और मुझे खुद को एक संकोच भी हो रहा था आपसे पूछते हुए कि हम आपसे कैसे समय मांगे, बट ही रेडिली एग्री, दैट इज हिज ग्रेटनेस। कि मैंने आपको कहा कि सर हमारा उद्देश्य जो है वो हम आम जन में इस बात को पहुंचाना है कि हाउ दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, अगर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जनता नहीं पहचानेगी तो ये दौड़ की दुनिया में जो है जनता हमारी धरती को जो है पूरा बर्बाद कर देंगे। और आपका जो समझाने का तो तरीका है, आपके पास जो इनोवेटिव एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो डॉक्टर गुप्ता मैं आपको आमंत्रित करता हूँ और सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ, आज भी काफी लोग हमारे साथ हैं। अच्छा मैं एक बार दोबारा रिमाइंड से कर रहा हूँ जो लोग क्विज वाले हैं कि जिनको क्विज में भाग लेना है वो लोग ये समझ लें कि ये जो क्विज है इन 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 सभी प्लेसेस पे प्लेस होगी और कल की वेबिनार भी उसमें शामिल होगी। सो प्लीज पार्टिसिपेट, और अल्टीमेटली वी वांट टू एनकरेज आवर एनवायरनमेंट इन ऑल डाइमेंशंस थ्रू द एनवायरनमेंट नेटवर्क, और हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं, आपके सहयोग से ही ये संभव होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ओवर टू एवी गुप्ता साहब, वेलकम गुप्ता सर, प्लीज थैंक थैंक यू। यू जैन सर। आपने जो इतना अच्छा सा बैकग्राउंड दिया और दो वीडियोस दिखाए, दैट हैज हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज मैं इस पे वरना 7-8 मिनट बोलता। अब जी मुझे जी 2 मिनट जी में समराइज करना है खाली जो बैकग्राउंड वाला मटेरियल है बिफोर आई स्विच ऑन टू द श्योर टॉपिक। श्योर सर, इट वॉज वो वेरी वेरी मैं यूजफुल एंड आई एम थैंकफुल टू यू रादर फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद डॉक्टर जैन सिंस आई थिंक 1990 और 1991 यस When we यस met for the सर, first time, और बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा है और साथ मिलके ही सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं हम सब मिलके। इसमें हर एक की भागीदारी बहुत जरूरी है, और जैसा जैन साहब ने मुझे कहा कि मिक्स हिंदी इंग्लिश वर्ड में चलेगा, तो जहाँ टेक्निकल टर्म्स होंगी मैं इंग्लिश में बोलूंगा, बाकी मिक्स लैंग्वेज हिंदुस्तान में वैसे भी ज्यादा अच्छी समझी जाती है। तो बिफोर आई स्विच ओवर टू द पीपीटी, अभी कई चीजें बताई गई। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके पास एक तो नेचुरल वाटर बॉडीज कंटिन्यूअसली विलुप्त होती जा रही, और क्या रीजन है उसका? इन्होंने कहा स्विच, हमको रीजन समझना है इसको, स्विच के डिस्पोजल से क्या हो रहा है। एक बहुत अच्छा सा वीडियो दिखाया 5 मिनट का जो फर्स्ट नंबर वाला था, जिसमें कहा गया था व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्विच ट्रीटमेंट।
प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो प्राइमरी में एक सेटलिंग दिखाई थी, सेकेंडरी में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें ऑर्गेनिक्स रिमूव कर दिए जाते एंड टर्शियरी के नाम पे क्लोरिनेशन बताया गया है ना, क्योंकि इंडिया में अभी तक के स्टैंडर्ड्स यहाँ तक ही सीमित है। किसी जमाने में 2017 से पहले हमारे सिर्फ सेकेंडरी ट्रीटमेंट के स्टैंडर्ड्स थे, तो उस समय क्लोरिनेशन हम नहीं करते थे। तो उससे पैथोजेंस पूरी तरह से रिमूव नहीं होते थे और कंटेमिनेशन का रिस्क रहता था, ये पानी या सुवेज जहाँ पे भी जाए। सुवेज हैज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजेंस। एक पर्सन जो टाइफाइड से पीड़ित है वो करीब करीब 200 बिलियन 200 अरब सेल्मोनेला टाइफोसा पर डे एक्सक्रीट करता है, जो बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल है टाइफाइड के लिए। ऐसे ही 10 मिलियन हेपेटाइटिस वायरसेस पर डे एक्सक्रीट होते हैं एक पर्सन जो जॉन्डिस से पीड़ित है। हमारे को चाहिए 10 से 15 बैक्टीरिया या वायरसेस इन अ ग्लास ऑफ वाटर टू हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कैचिंग द इन्फेक्शन। मतलब एक पर्सन का एक्सक्रीटा भी अगर इंडिस्क्रिमिनेटली वाटर सप्लाई में मीट कर जाता है तो होल सोसाइटी कैन फॉल इन। एंड इंडिया में सैकड़ों केसेस हैं हिस्ट्री में एनवायरमेंटल हेल्थ के, जहां लाखों लोग मरे जॉन्डिस से, टाइफाइड से, कॉलेरा से, और ये सब सुवेज के इम्प्रॉपर डिस्पोजल के कारण। और 2017 तक हमने ऑर्गेनिक्स रिमूवल तक का स्टैंडर्ड रखा, बट आज आपको सब जगह मालूम है कि हम जितने पानी के लिए डिजाइन करते हैं सप्लाई के लिए, जैसे अर्बन में 135 लीटर पर पर्सन पर डे के लिए सप्लाई डिजाइंड है, उसका करीब करीब 80-85% सुवेज में कन्वर्ट होगा, यानी कि एक ह्यूज क्वांटिटी गेट्स कन्वर्टेड टू सुवेज। और आपके इस वीडियो में कहा गया कि 150 साल का बिगेस्ट इनोवेशन फ्लश टॉयलेट्स को माना गया, क्या ये वास्तव में इनोवेशन बिगेस्ट कहला सकता है? क्योंकि पानी जहां बहुत कम है राजस्थान जैसे एरियाज में, वहां फ्लश टॉयलेट से क्या हो गया, 135 लीटर पर पर्सन पर डे डेवलप हो रहा है। पहले फ्लशिंग में, जब फ्लशिंग नहीं होती थी, जो भी परंपरा रही, चाहे वो लोटा लेके जाते थे या व्हाटएवर, 1 लीटर पानी सफिशिएंट था, आज उसी पे 45 लीटर पर पर्सन पर डे कंज्यूम हो रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये सारा सीवेज ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए एसटीपी पे। एसटीपी आपको दिखाया गया कि कैसे एरेशन कर रहे हैं, क्या एरेशन करने का मतलब, इट्स सच अ ह्यूज कॉस्ट कि एनर्जी की कॉस्ट देलावास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे करीब करीब 17-18 लाख पर मंथ का कॉस्ट है, जिसमें करीब करीब 80% एरेशन पे खर्च होता है। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी पहले जब क्लोरिनेशन नहीं करते थे तो उसके बाद भी बहुत सारे पैथोजेंस बच जाते थे, डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। अब वो भी नहीं निकाले तो इन्फेक्शन का पोटेंशियल फिर भी रहा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इवन आज भी इंडिया में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस रिमूवल के लिए सुवेज से कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, या तो कोई लेक वाटर रेस्टोरेशन प्रोग्राम होता है उनमें स्पेशल स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं, बट इन जनरल म्युनिसिपल सीवेज के लिए स्टैंडर्ड्स नहीं। और उसका कारण है जो जैन साहब ने सबसे पहले बताया कि वाटर बॉडीज लुप्त होती जा रही, क्योंकि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस टेंड टू क्रिएट यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन मतलब कि कुछ पर्टिकुलर वीड्स और ये बहुत ज्यादा ग्रो हो जाते हैं और पूरे सरफेस को ढक लेते हैं लेक के, और धीरे 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 लेक की डेथ हो जाती है। तो इवन टुडे वी डू नॉट हैव एनी स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। तो अपन ने देखा एरेशन इज वेरी कॉस्टली, 20 लाख रुपए महीना अकेला देलावास एरेशन पे खर्च करता है, उसके बाद भी पैथोजन भी पूरे रिमूव नहीं हुए। अब नया स्टैंडर्ड आया, पैथोजन रिमूव कर दिए, लेकिन अभी भी स्टैंडर्ड्स नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के लिए नहीं है। और वो सीवेज जब वाटर बॉडीज में जा रहा है तो यूट्रोफिकेशन कर रहा है, लेक का धीरे धीरे खात्मा हो रहा है। रामगढ़ लेक जहाँ 1981 में एशियन गेम्स हुए थे, हम लोग वहां देखने जाते थे, इतना वास्ट एक्सपेंस था उसका, इतना बड़ी वो लेक थी जिसमें यॉटिंग इवेंट्स हो रहे। और 2000 आते आते
सूख गई पूरी. व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड. ऐसे ही एक बड़ा प्रयोग हुआ था हिंदुस्तान में आई थिंक ऑलमोस्ट 3 decades बैक, जब वाटर हेसिंथ को लाला के ग्रो किया गया था सब वाटर बॉडीज में, क्योंकि ये नेचुरल वे में कुछ हद तक सीवेज को ट्रीट कर देते और स्पेशली हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेते. तो अब उसका क्या प्रभाव हुआ वो हम देखेंगे. बट अगेन बिफोर आई गो टू द फॉर्मल प्रेजेंटेशन, मैं आपको बताता हूँ कि MNIT में ईयर 2000 में 13 में से 7 ट्यूबवेल सूख गए. उस समय के प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा कि अखिलेश क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा विल पुट अप अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. अभी एग्जिस्टिंग वन बहुत ही महंगा पड़ रहा है और एफिशिएंट भी नहीं है, तो इसलिए इसको हमने एग्जिस्टिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से 1/6 स्पेस में और 1/9 एनर्जी कंजम्पशन वाला एक रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर लगाया. फिर 2014 में हमने एक MBBR लगाया, उसके बाद 2019 में एक और लगाया और कैपेसिटी को 6 गुना कर लिया क्योंकि स्टूडेंट पॉपुलेशन बढ़ रही है. हमने अपना ओवरऑल वाटर डिमांड को 40% कम कर दिया और जितना MNIT का जिसमें जिन लोगों ने देखा हुआ है इट इज वन ऑफ द ग्रीनेस्ट कैंपसेस इन द स्टेट, एटलीस्ट जयपुर का तो ग्रीनेस्ट पैचेस में से है ही है. और वो एंटायरली ट्रीटेड सीवेज पे है पूरे ऑलमोस्ट 21 साल से. और जब मैं बीच में 3-4 महीने डायरेक्टर था मैंने इसमें अप्लाई कराया, हमारा पहला गवर्नमेंट कैंपस है जो प्लेटिनम रेटेड है क्योंकि नॉट अ ड्रॉप ऑफ सीवेज गोज आउट, इट इज यूज फॉर मेंटेनिंग द ग्रीन बेल्ट्स, नॉट अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर गोज आउट. राजस्थान के पहले 2 रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हमने अपने में लगाए अपने कैंपस में, मैं सिविल का हेड था उस समय. हमारी जितनी नई बिल्डिंग्स हैं एटलीस्ट 30% मोर एनर्जी एफिशिएंट देन BES रिक्वायरमेंट्स. हम लोग 1 MW से ज्यादा सोलर से जनरेट कर रहे हैं और हमारा एम है इसको 2 MW तक ले जाना. सो विद ऑल दोज प्रोविजंस हमारा पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल कैंपस है जिसको प्लेटिनम रेटिंग मिली. तो हम सब कर सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे इंस्टीट्यूट के लेवल पे हो, चाहे सिटी लेवल पे हो, और वही चीज हम अभी देखेंगे. तो विद दिस बैकग्राउंड आई विल शिफ्ट टू माय प्रेजेंटेशन और होप यू आर एबल टू सी द स्लाइड्स. इस तरह के अब कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड आपने मेरे ख्याल से कल के लेक्चर में इनफ सुना होगा वेटलैंड्स, एंड आफ्टर ऑल ये पूरी कॉन्फ्रेंस ही वेटलैंड्स पे है तो आपने काफी देखा होगा, नेचुरल वेटलैंड्स के बारे में बताया होगा, रामसर कन्वेंशन के बारे में बताया होगा, भरतपुर का जिक्र हुआ होगा, सांभर लेक का जिक्र हुआ होगा, कैसे बायो मैग्निफिकेशन से बर्ड्स की डेथ हुई, किस चीज से हुई, इन्फेक्शन ही था या केमिकल भी मैग्निफाई हुआ, फूड चेन में जाके क्या होता है, वो सब मैं नहीं बोलूंगा. नाउ कंस्ट्रक्शन वेटलैंड्स इंजीनियर्ड सिस्टम्स हैं जो मिमिक करते हैं नेचुरल प्रोसेस. देयर इज अ टर्म कॉल्ड बायोमिमिकिंग, नेचर की इंजीनियरिंग सबसे एफिशिएंट है. इंसान कितनी भी कोशिश करे हम लोग आसपास भी नहीं है नेचुरल इंजीनियरिंग के. से फॉर एग्जाम्पल एल्गल सेल्स जितने एफिशिएंटली लाइट की एनर्जी सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करती है कोई भी बढ़िया से बढ़िया सोलर प्लांट उसके आसपास एफिशिएंसी नहीं दे सकता. एंड सेम थिंग अप्लाइज टू ऑलमोस्ट एवरी इंजीनियरिंग सिस्टम, नेचर की इंजीनियरिंग, ह्यूमन बीइंग. हमारे जितने ऑक्सीजन ट्रांसफर करने के लिए लंग्स में एलोवेरा चाहिए उससे 4 गुने हैं. कई लोग कहते हैं मैं तो 10 साल से स्मोकिंग करता हूँ, 15 साल से स्मोकिंग कर रहा हूँ, मेरे को तो कभी ब्रेथलेसनेस नहीं आई, क्योंकि हमारे 4 गुने ज्यादा एलोवेरा हैं, हम उनको जला रहे हैं अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट, कहीं दिक्कत नहीं आती, ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रहा है. बट जब वो क्रिटिकल मास तक पहुंचता है देन बहुत ही टेरेबल सिचुएशन हो जाती है. और हम लोग इस पर भी बहुत कैंपेन करते हैं, एंटी टोबैको, एंटी स्मोकिंग. सो नेचर का सिस्टम इज द मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई टू मिमिक, व्हाट वी कॉल एज बायो मिमिकिंग इन कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स.
जो कि इंजीनियर्ड सिस्टम से नेचुरल सिस्टम के पैरेलल। इस तरह की न्यूज हर जगह देखते हैं आप कि रिवर गोमती इज इन प्रॉब्लम, रिवर कावेरी नीड्स क्लीनिंग, देन लूनी नदी में बहुत पोल्यूशन है, लेक्स बहुत सारी ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, अब लेक रेस्टोरेशन प्रोग्राम चल रहे हैं। एक समय था जब जलमहल लेक को हम लोगों ने रेस्टोर करने की कोशिश की और उसकी बीओडी को 1/7 तक ले आए आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ रिगरस इंटरवेंशन, और समझने की कोशिश की पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, कैसे रोकें। ब्रह्मपुरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो सीवेज आ रहा था उसको टर्शरी ट्रीटमेंट करके उसमें लेट आउट करने लगे। पहले जब हम लोग सोर्स ऑफ पोल्यूशन, मतलब कौन से सोर्स से कितना आ रहा है पोल्यूशन, जब ये करने बैठे यू आर शॉक्ड, कैसे हर जना फिंगर्स पॉइंट किस पे करता था, ये ब्रह्मपुरी का ट्रीटमेंट प्लांट ढंग से काम नहीं करता, इसी के कारण जलमहल में यूट्रोफिकेशन हो गया। जब करने लगे सारा अपॉर्चुनमेंट, पता चला कि ब्रह्मपुरी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो बहुत कम रिस्पॉन्सिबल है उस पूरे जलमहल के पॉल्यूशन के लिए, और नॉन पॉइंट सोर्सेज आफ्टर द फर्स्ट रेन्स एंड अदर्स ये मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे। फिर हम लोगों ने बोला कि जब तक ये जो दो मेजर नाले आके मिल रहे हैं उनको डाइवर्ट नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। पहले हर एक फर्स्ट रेंज के बाद हजारों मछलियां मरती थी एक दिन के अंदर, और सब पॉइंट आउट करते थे अगेन कि कोई ने जहरीला पानी छोड़ा जिससे मछलियां मर गई, इसमें कुछ जहरीला नहीं था। फर्स्ट फ्लश के बाद सारे सरफेसेस से जो कि ओपन डिफिकेशन में भी काम आती थी, फॉरेस्ट एरिया भी था बहुत खूबसूरत नाहरगढ़ वैली प्रोजेक्ट में, उनमें से जो ऑर्गेनिक्स निकल के आते थे वो बीओडी बढ़ा रहे थे, और बीओडी बढ़ती है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है, और सबसे सेंसिटिव होती है फिश, 4 ppm से नीचे डी हो जाते ही लार्ज स्केल किलिंग ऑफ फिश। सो हमने वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक वो सेटलिंग बेसिन बनाया जलमहल लेक में, ताकि उसमें जाने के बाद ही लेक में पानी जाए, और उससे काफी इम्प्रूवमेंट हुआ सिस्टम। तो ये लेक हो चाहे रिवर हो, ऑल दीज सिस्टम्स आर सफरिंग, एंड इस तरह की नेचुरल वेटलैंड्स आपने देखी होंगी पूरी फुल्ली ऑलमोस्ट कवर्ड। आईआईटी बॉम्बे जहाँ मैं पढ़ा 4.5 साल, वहाँ पूरा लेक पवई पूरी वाटर हेसेंट्स और वीड से ग्रसित थी, और प्रैक्टिकली अधिकतर लेक्स में वही हालत। तो मैं अब कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स की बात करूंगा, एंड वी विल टॉक अबाउट ऑल स्केल्स, छोटा स्केल से लेके मीडियम स्केल एंड बड़े स्केल। ये नेचुरल सिस्टम्स को मिमिक करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए काम आते हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज है वेरी लो मेंटेनेंस एंड वेरी इजी टू ऑपरेट। मैंने आपको देलावास का कहा कि 20 लाख रुपए महीने का एनर्जी बिल, वही इक्विवेलेंट सिस्टम वेटलैंड का बनाए तो 2 लाख से ज्यादा नहीं है, एंड दैट शोज द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। तो आई एम नॉट श्योर देयर इज अ मैसेज कि खुशराज रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन, शुड आई से डिक्लाइन, आई वुड लाइक टू शेयर स्क्रीन मैसेज। नहीं, स्क्रीन तो सही दिख रहा है हम क्या क्या चीजें होती है। नेचुरल सिस्टम को मिमिक करके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करना है, बहुत ही लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वेरी लो मेंटेनेंस कॉस्ट, एंड हेंस ओवरऑल दे कैन बी वेरी गुड। बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जैसे डकवीट पॉन्ड्स और इस तरह के पॉन्ड्स जो जिसमें खूब सारे हाइड्रोपोनिक्स वाले और इस तरह की वैरायटीज हम ग्रो करते हैं, और वो पानी में से नाइट्रोजन फॉस्फोरस को निकाल लेती है, और इसको कंट्रोल वे में लेकिन ग्रो करना चाहिए, अनकंट्रोल्ड हुआ तो वाटर एसिन जैसे पूरे लेक को बर्बाद कर देंगे। कई में ना वेलिस्लेरिया वगैरह सबमर्ज प्लांट्स भी यूज करते हैं। ये सब चीजें आज से करीब
2 डिकेड से 4 डिकेड पहले तक काफी यूज होती थी, बट इनके अनकंट्रोल्ड ग्रोथ वाज अ मेजर प्रॉब्लम। तो उसके बाद रूटेड इमर्जेंट मैक्रोफाइट्स लेने शुरू हुए, जैसे ये फ्रेगमाइटिस, कैना इंडिका। अब इनके आने से वेटलैंड्स की नए तरीके की वैरायटी शुरू हुई। तो इफ वी लुक एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन, सर व्हाट आर वेटलैंड्स? सरफेस फ्लो वेटलैंड्स, पानी इधर से आ रहा है, सीवेज इसमें से आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, ये सरफेस फ्लो वेटलैंड्स हैं, जिनमें कुछ इमरजेंट प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरिया इसके नीचे वाले मीडिया पे हैं, जिनमें पत्थर, ग्रेवल, पेबल्स एंड इस तरह का सिस्टम है, उनमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं। तो ये रूट्स क्या करती हैं, प्लांट्स पहली बात तो बहुत सारे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस को एसिमिलेट कर लेते। तो कौन से प्लांट्स इमर्जेंट चाहिए, जिनके पत्तियां बहुत बड़ी हों, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन एसिमिलेट करें, फॉस्फोरस एसिमिलेट करें, एंड एट द सेम टाइम हमारे को ये जड़ों में इधर इस एरिया में इतना अच्छा कंडीशन देनी है कि बहुत अच्छे बैक्टीरिया डेवलप हो जाएं, जो सुवेज के कार्बन यानी कि ऑर्गेनिक्स को हटाएं, नाइट्रोजन को हटाएं, फॉस्फोरस को हटाएं। अब हटाने से क्या मतलब, नाइट्रोजन हटाने से मतलब कि रॉ सुवेज में अमोनिकल नाइट्रोजन बहुत होती है, उसको कन्वर्ट करके नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, उनको एरोबिक कंडीशन चाहिए, यानी कि फुल्ली एरोबिक कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशंस कैसे लिए अपन ने, अपन ने कोई एरेटर नहीं लगाया उसमें, हमने सिर्फ एक बड़ा एरिया दिया और नेचुरल एयर जो ग्रेवल और पेबल्स के बीच में वॉइड्स में है उसी को यूज किया, और प्लांट्स भी उसमें एयर सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे। तो सबमर्ज्ड प्लांट्स, अब सबमर्ज्ड फ्लो कंडीशंस में क्या एडवांटेज होता है कि कोई स्मेल्स भी हुई किसी भी रीजन से तो वो ऊपर नहीं जाती। फिर सब सरफेस फ्लो, ये सरफेस था, इसमें स्मेल ऊपर जा सकती है अगर मेल फंक्शनिंग हो रही है प्लांट की, बट इधर समझ बनाना शुरू कर दी। तो अब सारी कुछ चीजें, बैक्टीरिया सब कुछ अंदर है, इवन इफ लोअर जोन में कोई एनरोबिसिटी आई, कोई गैसेस आई, तो वो हायर जोन में आते आते एरेट भी हो जाती है और एक बैरियर भी है, तो स्मेल प्रॉब्लम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई। सबमर्ज्ड वेटलैंड्स बहुत कॉमनली यूज होती है। यहाँ हॉरिजॉन्टल फ्लो है, लेफ्ट से आ रहा है, राइट से जा रहा है, देन वर्टिकल फ्लो, ऊपर से पानी आ रहा है नीचे जा रहा है, और नीचे वाले सिस्टम में फिर सॉइल की कैपेसिटी के हिसाब से अल्टीमेटली परकोलेट हो, या इस पानी को यूज करो आप इरिगेशन के लिए, एक्सेलेंट वाटर। फिर सब सरफेस फ्लो अप वर्टिकल मींस यहाँ पे सरफेस से ऊपर थोड़ा सा पानी था, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लो, वर्टिकल फ्लो। आप में से किसी को कोई एसएच नोट्स की जरूरत नहीं है, ये पीपीटी मैंने भेजा हुआ है जैन साहब के पास, वो शेयर कर देंगे आप सबसे। नॉलेज इज ओनली फॉर शेयरिंग, नथिंग एल्स। ठीक है, तो डिजाइन का क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे इतना अच्छे टाइप के माइक्रोब्स डेवलप करें कि ऑर्गेनिक्स रिमूवल हो जाए, नाइट्रिफिकेशन हो जाए, और फिर प्लांट्स उस नाइट्रोजन को एसिमिलेट कर लें, और एक फास्फोरस के लिए क्या होता है, फॉस्फेट बहुत सारे होते हैं सुले, तो उसमें एक तो फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, ये फॉस्फेट इजिली प्लांट एसिमिलेट नहीं कर सकते, तो फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में, जो कि प्लांट्स उसको ले सकते हैं, और साथ ही फॉस्फेट अक्यूमुलेटिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, वो भी इस फॉस्फोरस को एसिमिलेट कर लेंगे। तो ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाए बिलो दिस सरफेस कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इतने बढ़िया सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए कि वो प्लांट्स और बैक्टीरिया द्वारा टेकअप करा जा सके, एंड हेंस अब ये ट्रीटेड सुवेज किसी भी लेक में जाएगा तो बिल्कुल यूट्रोफिकेशन नहीं देगा। बट यहाँ एक समझने की जरूरत है, द ऑनरेबल एनजीटी हैज मेड अ ओपन ऑर्डर इन राजस्थान ऑल्सो कि हर जगह आपको वेटलैंड लगानी है। अब वो वेटलैंड लगने से क्या हुआ, उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस दे दी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के लिए, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड्स में एग्जिस्ट नहीं कर। मैंने कई एनजीटी प्लेटफॉर्म से बोला भी है, क्योंकि टीचर्स एटलीस्ट
बोल्डली अपनी बात कह सकते हैं बिना किसी दिक्कत। मैंने कहा दो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स वेयर द ट्रीटेड सुवेज इज गोइंग इनटू अ वाटर बॉडी लेक या रिवर, वहां यूट्रोफिकेशन रोकना है तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रिमूव करना अच्छी बात है, मगर इफ द ट्रीटेड सुवेज इज यूज फॉर इरीगेशन जो राजस्थान में 80% केसेस में होता है, तो हम अगर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रिमूव करेंगे तो वो तो कम यूजेबल हो जाएगा, उसकी यूजफुलनेस कम हो जाएगी। नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो प्लांट्स को चाहिए, तो अगर इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो हमारे को नाइट्रोजन फॉस्फोरस रिमूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिसइंफेक्शन करने की जरूरत है ताकि कॉन्टैक्ट से कोई इंफेक्शन नहीं फैले, ताकि सीपेज से कोई वाटर बॉडी कंटेमिनेट ना हो। लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तो प्लांट्स जो भी क्रॉप लगाई है आपने उसके लिए यूजफुल है, और उसके लिए यूजफुल है मतलब वो प्लांट्स उसको ले रहे हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तो वेटलैंड का काम तो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, तो वहां हम एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों लगाएं। अब एक्स्ट्रा कॉस्ट का क्या मतलब, मैंने कहा आपको उसकी ऑपरेशन सस्ती है, मेंटेनेंस सस्ती है, एनर्जी कॉस्ट नहीं के बराबर है, तो फिर कॉस्ट क्या है, मेजर कॉस्ट क्या है, नेचुरल प्रोसेस स्लो होती है, इसीलिए ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाते हैं, एरेशन करते हैं, बैक्टीरिया को अक्यूमुलेट करते हैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, ताकि वही सुवेज टिपिकली कुछ घंटों में ट्रीट हो सके, कुछ घंटों में ट्रीट वेटलैंड को चाहिए कुछ दिन, यानी कि कुछ घंटे से कुछ दिन कन्वर्ट करने में आपको 8-10 गुना सरफेस एरिया चाहिए हो सकता है, इतना लैंड एरिया कहाँ से लाएं, राजस्थान में इनफ है, और स्पेशली वेटलैंड्स आर आइडियल फॉर ग्रे वाटर, ग्रे वाटर मतलब सीवेज को हटा दें हम, तो अगर बाथरूम से आ रहा है एंड किचन से आ रहा है उसको नॉर्मली हम ग्रे वाटर कहते हैं और सलेज कहते हैं, इसमें ऑर्गेनिक्स कम होते हैं, और वेटलैंड उनके लिए तो बिल्कुल आइडियल है, और गांव में कहीं भी सीवरेज सिस्टम नहीं है जहाँ सेंट्रलाइज इकट्ठा किया जाता है सीवेज को, तो उनका जो ग्रे वाटर है ओपन सड़कों पे रहता है, न्यूसेंस फैलता है उससे। अभी हमने आंधी गांव में प्रोजेक्ट लिया है, DST ने रिसेंट सैंक्शन भेजी है 3 करोड़ रुपए की, जिसमें हम बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लास्टिक पायरोलिसिस प्लांट लगाएंगे, एक वर्मी फिल्ट्रेशन प्लांट उनके PHC के वेस्ट में के लिए लगाएंगे, और एक उनके जो इस तरह का सलेज जा रहा है ग्रे वाटर जा रहा है उसके पार्ट के लिए वेटलैंड डेवलप करेंगे, ताकि वहाँ ग्रीन पैच भी आ जाए, और उसके ट्रीटमेंट के बाद अगर वो प्लांट्स इनकी क्रॉप में जाता है इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। वो मेरे को एग्जांपल याद दिला रहा है जब जैन साहब पहली बार मिले थे और आर्बोरेटम के लिए हमारे जवाहर नाले से जब ये लोग पानी ले रहे थे तो उससे प्लांट्स की विल्टिंग हो रही थी, तो कंट्रोल्ड वाटर हेसिन पॉन्ड्स में से निकाल के फिर उसको इरीगेशन में काम लिया तो प्लांट्स की समस्या दूर हो गई, वही बात हम उधर डेवलप करने की कोशिश कर। तो हॉटलैंड्स हॉट क्लाइमेट्स के लिए आइडियल है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत फास्ट ग्रोथ होती है प्लांट्स की, सो फास्ट ग्रोथ अच्छी है क्योंकि प्लांट्स बहुत सारा नाइट्रोजन फॉस्फोरस एसिमिलेट कर, बट एट द सेम टाइम फास्ट ग्रोथ अच्छी है क्योंकि प्लांट्स के नीचे बैक्टीरिया जो है वो भी ज्यादा अच्छा ग्रो करते हैं हाई टेम्परेचर पे, बट ट्रबल क्या है, जब ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है पत्तों की तो उसको प्रूनिंग करनी पड़ती है, वो कहीं भी मैंने देखा ढंग से नहीं करता, साल में एक बार प्रूनिंग करनी है, आपने एक फुट 1.5 फुट हटा दिया पत्तियों को, लेट देम ग्रो अगेन, देन यू विल फाइंड कि ये सस्टेन करेगा, वरना वही पत्ती अगर गलकर नीचे चली गई तो वो रिलीज करेगी नाइट्रोजन फॉस्फोरस। जब हम आई थिंक 2011 में मेरे कुछ स्टूडेंट्स रामगढ़ में हमने जो वेटलैंड्स लगाए थे जलमहल में, उसमें एक वेटलैंड में लगातार ही आया कि फॉस्फोरस इन से ज्यादा फॉस्फोरस आउट, नहीं ये कैसे हो सकता है, तो दो इंटरेस्टिंग चीजें मिली, एक तो बहुत सारे पत्तियां नीचे गिरी हुई थी, दूसरे उसमें फेंसिंग नहीं की हुई थी तो पिग्स आ रहे थे, अब पिग आ रहा है उसके अंदर और वो डिफिकेट कर रहा है तो उसके कारण वहां फॉस्फोरस रिलीजेस ज्यादा हो रहे थे जितना वो रिमूव नहीं कर पा रही थी वेटलैंड, और हम सोच रहे क्रिएट कैसे हो सकते,
हर चीज का एक सोल्यूशन होता है। तो प्रूनिंग इसकी यानी कि हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। अब हार्वेस्ट करके उससे बायोगैस बनाए आराम से, तो जितना आप क्लोज सिस्टम बनाएंगे उतना ही बेहतर होगा। हम यही चीज उस आंधी गांव में करेंगे, टोटल वेस्ट कुछ फेंकनी नहीं है, एक को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, दूसरे को तीसरे के लिए करना है, व्हाट वी कॉल एज सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी हैज टू बी प्रमोटेड सो दैट यू आर नॉट थ्रोइंग आउट एनीथिंग फ्रॉम द सिस्टम। हमने एक वेस्ट टू रिसोर्स सेंटर बनाया हमारे, जितना कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट है उसी को रिसाइकिल करके हम लोग बहुत सारे टाइल्स और ऐसे चीजें बनाते हैं। पेपर वेस्ट से हम हैंड ड्रॉन पेपर, और वो बनने वाला है प्लांट। एसटीपी के सुवेज ट्रीटेड सुवेज से ग्रीन बेल्ट मेंटेन करते हैं। घास जो आई और सुवेज स्लज जो है उनको मिला के हम कंपोस्टिंग करते हैं, कंपोस्टर है हमारे, कुछ भी नहीं बाहर फेंकते, और सब इतना बढ़िया सिस्टम काम कर रहा है क्लोज सर्किट में। तो ये हमारा अपना अटेम्प्ट होना चाहिए। तो वेटलैंड्स में क्या हुआ कि इमरजेंट प्लांट्स हैं, सबमर्ज प्लांट्स हैं एंड बैक्टीरिया हैं, इन सब से मिलके सिस्टम में ट्रीटमेंट हो रहा है। अलग अलग मैकेनिज्म्स चलते हैं जिसमें बैक्टीरियल नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, विल नॉट बॉदर अबाउट इट राइट नाउ, प्लांट एसिमिलेशन, बैक्टीरियल एसिमिलेशन, फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट अक्यूमुलेटिंग बैक्टीरिया, ये सब नीचे के सिस्टम में है, और इस सिस्टम में फिल्ट्रेशन भी हो रहा है। तो पानी जो निकल के आता है इतना साफ होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, स्मेल फ्री, बीओडी इवन लेस देन द बेस्ट ऑफ द टर्शियरी ट्रीटमेंट ट्रीटेड प्लांट्स ऑफ जयपुर, एमबीबीआर एमबीआर से बेहतर, एंड वेरी गुड फॉर एनी पर्पस बट नॉट ऑफ कोर्स फॉर ड्रिंकिंग। सो एक ये सबसे पुराने जो हम लोगों ने 10-11 साल पहले गवर्नमेंट के जेडीए के उसमें आई वॉज इन टू देयर एक्सपर्ट्स कमिटी एंड ये वेटलैंड लगवाए थे। ब्रह्मपुरी के सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 27 MLD का था, मिलियन लीटर्स पर डे, उसमें से 7 MLD को हमने वेटलैंड से ट्रीट किया। क्यों किया? हमने एस्टिमेट किया कि जल महल में इवेपोरेशन लॉसेस एंड परकोलेशन लॉसेस करीब करीब 7 MLD के बराबर है, तो हमने कहा कि बाकी सुवेज को हम डाइवर्ट करेंगे, 7 MLD को वेटलैंड्स के थ्रू फिर जलमहल में डालेंगे ताकि कोई यूट्रोफिकेशन भी नहीं हो और अपर लेयर उसकी हमेशा लेवल सेम मेंटेन रहे, क्योंकि जलमहल को टूरिज्म पर्पस के लिए डेवलप, रियली स्वर्ग है जलमहल के अंदर, इतना खूबसूरत अपग्रेडेशन हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली कोर्ट केसेस में फंसे हुए होने के कारण टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है ये। द काइंड ऑफ डेवलपमेंट मेड इन द जलमहल, इनसाइड द जलमहल इज अमेजिंग, और ये वर्ल्ड की गिनी चुनी धरोहरों में से, जहां आपके महल पार्शियली नीचे है पार्शियली पानी के ऊपर है, जिसमें सारा रेस्टोरेशन ट्रेडिशनल तरीकों से किया गया है और नेचुरल प्रोसेसेस से उसके सुवेज के उसके वाटर की जो ट्रीटमेंट करके 35 BOD से लेस देन 5 पे लाए, दैट वाज अ केस स्टडी इन इटसेल्फ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोर्ट केसेस में फंसा हुआ। तो ये ब्रह्मपुरी के एसटीपी के कारण जो वहाँ वही इनलेट चैम्बर, स्क्रीन ग्रिड चैम्बर, एरेशन टैंक जो कि आपको उसमें वीडियो में दिखाए गए थे वहां तक था, उसमें से हमने पार्ट पार्ट करके 3 वेटलैंड्स ब्रह्मपुरी ट्रीटमेंट प्लांट के साइट पे डाली और 3 बिफोर एंटरिंग मानसागर लेक या जलमहल लेक, तो उन वेटलैंड्स को असेस किया। उसमें फ्रेगमाइटिस प्राइमरीली ग्रो किया गया, क्योंकि फ्रेगमाइटिस एंड कैना इंडिका ये सबसे कॉमनली यूज्ड वेटलैंड प्लांट्स हैं बिकॉज ऑफ वेरी हाई लीफ रेशियोस। तो वेटलैंड के थ्रू ये ट्रीटमेंट प्लांट फिर अलग अलग पैरामीटर्स के लिए असेस किया गया, बीओडी, सीओडी, सस्पेंडेड सॉलिड्स, फॉस्फेट्स, नाइट्रोजन, एंड देयर वाज अ गुड रिमूवल। और ये बीओडी सीओडी को आपको लग रहा है कि ये कम रिमूवल है, ये बहुत बड़ा परसेंटेज है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रीटमेंट प्लांट में 90% प्लस बीओडी रिमूव हो चुकी है, उसके बाद बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फॉस्फोरस और नाइट्रोजन स्पेशली 50% रिमूव कर दी,
एंड ये रिमूव करने से बहुत फर्क होता है, क्योंकि टेंडेंसी फॉर यूट्रोफिकेशन इज प्राइमरीली अफेक्टेड बाय नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, और इन दोनों को रिमूव कर दिया तो बहुत फर्क पड़ जाता है। साथ ही कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स और कॉलीफॉर्म्स, कॉलीफॉर्म्स यानी कि उनके साथ पैथोजेंस भी रहते हैं, उनको उनमें 90% फर्दर रिमूवल आ गया। यानी कि वेटलैंड ने क्या रिमूव किया, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, सारे चीजें पॉलिशिंग हो गया ट्रीटमेंट का, एंड ट्रीटमेंट ट्रीटेड वाले प्लांट के ऊपर ये करा, तो ये बीओडी सीओडी फॉस्फेट सब सिग्निफिकेंटली रिमूव हुए। और लेकिन धीरे 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 ओवरलोडिंग शुरू हुई वेटलैंड की, क्योंकि कोर्ट केसेस में फंसने के लिए कोई धनी दोरी था नहीं इसका, देयर वर नो पीपल टू मेंटेन इट, एंड व्हाई शुड दे इन्वेस्ट सो मच इफ दे आर नॉट अलाउड टू रन देयर फुल सिस्टम। क्यों ये लगाई गई थी, ये कई 200 करोड़ का एक पूरा एरिया नियर द जलमहल डेवलप होना था, जिसमें एक 7-स्टार होटल भी आना और पूरा कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, तो इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया इसमें। 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट था ओनली फॉर इम्प्रूविंग द लेक वाटर, क्योंकि लेक सड़ती थी उस जमाने में। और इससे पहले मैं बताऊं, 1998 से 2001 आई वाज हेड सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यू विल बी सरप्राइज्ड कि हम लोग एक सर्वे करते हैं, ट्रायंगुलेशन सर्वे, वो हमने वहां कंडक्ट किया। उसमें एक सेंट्रल स्टेशन होता है और पहाड़ियों के ऊपर स्टेशन होते हैं बाकी। सेंट्रल स्टेशन वॉज जलमहल, मतलब हम पैदल जलमहल तक जाते थे, टोटली सूखा हुआ था। उस जलमहल को इतनी खूबसूरत फॉर्म में वापस लाना वॉज अ ह्यूज टास्क। तो उसमें बहुत डिटेल्ड माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस, अलग अलग तरह के पैथोजेंस का रिमूवल, वो सब हमने असेस किए। और वो ये सब एनालिसिस जिसको इंटरेस्ट है वो ये डिटेल्स कभी भी देख सकते हैं, द पीपीटी इज ऑल फॉर शेयरिंग। फिर दूसरी केस स्टडी, नाउ वो था एक बड़े ट्रीटमेंट प्लांट के एक छोटे पार्ट को टर्शियरी ट्रीट करना। ट्रीटमेंट एग्जिस्टेड ऑलरेडी फॉर अप टू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यानी कि एरेशन और सब चीजें हो चुकी होती थी, उसके बाद पैथोजन रिमूवल, नाइट्रोजन रिमूवल, फॉस्फोरस रिमूवल टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए वो वेटलैंड्स थे पार्ट ऑफ द टोटल, क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ता है, बहुत सारी जमीन चाहिए और जयपुर जैसी सिटी में इतनी जमीन आउट ऑफ क्वेश्चन थी। तो ओनली पार्ट के लिए, पार्ट का रीजन मैंने बताया, टू कंपनसेट फॉर इवेपोरेशन एंड परकोलेशन। अब हम लोग स्टडी कैसे करते हैं वेटलैंड्स को लेबोरेटरी में, तो ये इस तरह के छोटे छोटे वेटलैंड्स बनाए जाते हैं। ये जो सिस्टम, ये आप देखिए, ये सब वेटलैंड्स ही, प्लांट है, ग्रेवल है, टेबल्स हैं, ये सब सिस्टम लगे। इस पे हम लोग थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं और इसको एक्सट्रापोलेट करके डिजाइन करते हैं, यानी कि आप ये घर में बना सकते हैं। छोटा सा सिस्टम है जो घर में आपके स्पेशली बाथरूम के वेस्ट वाटर को, पहले कहते थे हम छोटा सा फिल्टर डिजाइन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उससे बेहतर फिल्टर प्लस प्लांट्स टुगेदर, वो आपको फिल्ट्रेशन का भी एक्शन देंगे और बायोलॉजिकल एक्शन भी देंगे, और प्लांट्स के कारण माइक्रोबायोलॉजिकल एक्शन भी बेहतर हो जाएगा और प्लांट्स से एसिमिलेशन भी होगा। तो ऐसे सिंपल से वेटलैंड्स आप अपने घर में डेवलप कर सकते हैं। कैना इंडिका, फ्लेगमाइटिस, ये देखिए इस तरह के वेटलैंड्स। तो ये हम तो लैब में स्टडी के लिए लेते हैं, आप लोग इसको ईजीली हाउस होल्ड उसके लिए, खूबसूरती भी बढ़ाएगा। कहना कि फ्लावर्स इतने कलर के हमारे अब कैंपस में आए हैं, ब्यूटिफुल फ्लावर्स। अभी हमने एक पायलट प्लांट भी बनाया है, उसमें बस ट्रांसप्लांट करने हैं प्लांट्स को, हमने ऑलरेडी बहुत जगह लगा रखे, इतने खूबसूरत प्लांट्स दिखेंगे कि बस। अब इनके इससे हम स्टडी करते हैं कितना टोटल नाइट्रोजन रिमूव हुआ, कितने कॉलीफॉर्म्स रिमूव हुए, कितने ऑर्गेनिक्स रिमूव हुए, कितना फॉस्फोरस रिमूव हुए, तो वो सब चीजें यहाँ दी गई हैं। और जैसे ये रॉ में है, ये ग्रीन ब्लू वाला, और ये लास्ट में ट्रीटेड में, तो ब्लू से कितना, कोई 50% रिमूव हो गया, कोई 70% रिमूव हो गया, 80% रिमूव हो गया, तो ये सारे पैरामीटर्स अच्छे खासे रिमूव हो जाते हैं वेटलैंड से। तो ये हुई छोटी सी वेटलैंड। अब
फुल स्केल वेटलैंड की बात करें जहां पर प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, सब कुछ अपने को इसी वेटलैंड से ले, ठीक है, ये नहीं उससे पहले मैं दूसरा चीज। मेरी एक स्टूडेंट ने अभी पीएचडी जमा करी, अब हमने इस पे दो फुल स्केल वेटलैंड्स यूज कर, एक वेटलैंड जो पत्रकार कॉलोनी में जयपुर में मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में है, मतलब जो वेटलैंड पहले सोचा जाता था कि सिर्फ गांव में काम आ सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा जमीन चाहिए, उसमें हमने नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं डीप वेटलैंड्स। आप समझ सकते हैं कि अगर मैं 60-70 सेंटीमीटर की वेटलैंड की डेप्थ थी पहले, उसको मैं अगर 2 मीटर पे ले जाता हूँ तो 3 गुना मैंने डीप ले गया, तो मेरा रिटेंशन सेम रिटेंशन टाइम देने के लिए 3 गुनी सरफेस एरिया कम हो गई। आज हमारे पास पूरे हम कॉन्फिडेंस से कहते हैं 6-7 साल की ये स्टडी के बाद मैंने एरिया आधा कर दिया, ऑर्गेनिक्स रिमूवल बिल्कुल भी सफर नहीं किया, नाइट्रोजन रिमूवल पहले से बेहतर है और फॉस्फोरस रिमूवल पे स्टडीज चल रही है विच आर वी आर कॉन्फिडेंट की वो भी पहले से बेहतर आएगा। मतलब आपने वेटलैंड को आधे एरिया में और मच बेटर परफॉर्मेंस वाला बना दिया, तो मेजर प्रॉब्लम वेटलैंड की खत्म हो गई जो था सरफेस एरिया रिक्वायरमेंट। अब वही गांव वाली चीज एक शहर के मल्टी स्टोरेड कॉम्प्लेक्स में भी आ गई और वही एक हॉस्पिटल के सीवेज के लिए भी आई। तो वो ये दोनों स्टडीज हैं, पत्रकार कॉलोनी का रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जिसमें आप देखिए ये वेटलैंड उसी के बाउंड्री ये उसके वेटलैंड बाउंड्री बाउंड्री पे उस मल्टी स्टोरेड कॉम्प्लेक्स के। अब हम जब ये लगा गए पानी इतना साफ दिखता था, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि इतना साफ था, इतना साफ दिखता था कि लोगों ने स्टार्ट करा अपने कारों को धोना इससे। हम लोग जब असेसमेंट के लिए जाते थे गए, हमने कहा भैया ये कब कहा था आपको, अरे नहीं सर बहुत बढ़िया पानी है हमारी, बढ़िया कार साफ हो गई। मैंने कहा कि अभी क्या है कि आपके 1/3 वही ऑक्यूपाई हुए हैं फ्लैट्स, धीरे धीरे होगा थोड़ा सा डिटोरेट होगा और हमने अभी क्लोरिनेशन इसलिए शुरू नहीं किया, क्लोरिनेशन करेंगे उसके बाद आप यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, वरना थोड़ा इन्फेक्शन का चांस। बट आप इमेजिन करिए कितना इधर लगा रहे हैं नाक में लगा रहे हैं, इसलिए तो बचने की जरूरत है इसको। हाँ। क्योंकि बाहर घूमता रहता है जमीन से वो चलेगा, सुनना जी। तो ये एक वेटलैंड आपको देख सकते हैं मुहाना मंडी रोड पे पत्रकार पर। फिर ये वेटलैंड है शाहपुरा में एक हॉस्पिटल, इसमें भी बहुत सारी हमारी स्टडीज हैं जिसमें 2 साल होते होते ये देखिए काफी पीलापन कुछ पहली वाली वेटलैंड में आने लगा। इसके हमने रीजन समझने की कोशिश की एंड तब हमने इनको कहा कि जो आप फ्लोर वॉश जिसमें बहुत सारा फिनोलिक सब्सटेंसेस होते हैं उसको इसमें मत मिलाइए, इसको सेप्टिक टैंक में लेने के बाद यूज करें फिर वेटलैंड में डाल सकते। तो जब स्टडी करते हैं नई चीजें समझ में आती, तो ये फुल स्केल वेटलैंड है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टोरी एंड शाहपुरा का हॉस्पिटल। तो अब शहरों में वेटलैंड्स आनी शुरू हुई, इनके रिजल्ट्स सामने हैं, वही नाइट्रोजन फॉस्फोरस रिमूवल और उनके बहुत सारा पैथोजन रिमूवल पे स्टडीज। पहली बार हमने प्रूव किया कि एग्जिस्टिंग वेटलैंड डिजाइन हाईली ओवर डिजाइन सिस्टम्स थे, तो उसका फायदा हमने लिया, ओवर डिजाइन सिस्टम की सरफेस एरिया आधी करी, ऑर्गेनिक रिमूवल वाज नॉट अफेक्टेड, नाइट्रोजन रिमूवल कैसे इंप्रूव किया, स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया ग्रो हो गए उसमें, नीचे डीप डालने से एनरोबिक कुछ स्ट्रेस आया, उससे नए तरह के बैक्टीरिया जनरेट हुए जो कि हेल्प कर रहे हैं नाइट्रोजन रिमूवल के लिए और उन्हीं को हम स्टडी कर रहे हैं फॉस्फोरस रिमूवल। सो ये वेटलैंड्स के हमारे चीजें आई। मैं पहले इस पीपीटी को कंक्लूड करूंगा, फिर मैं आपको फुल स्केल वेटलैंड दिखाऊंगा जो म्यूनिसिपल ट्रीटमेंट प्लांट में मतलब सीवर लाइन से सीधा लिया हुआ और एक सेप्टिक टैंक में लेके वेटलैंड सिस्टम में लिया हुआ। हिमाचल प्रदेश में मेरे स्टूडेंट ने करीब 20 वेटलैंड प्लांट्स लगाए फुल डायरेक्टली सीवेज को लेके एंड विदाउट एनी एरेशन विदाउट एनी पंपिंग, क्योंकि वहां लकीली बहुत अच्छे से स्लोप्स अवेलेबल हैं, तो
अभी तक फुल स्केल प्लांट्स में हमने कहा था टर्शियरी ट्रीटमेंट और जल महल, मीडियम स्केल में हमने कहा हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को रेजिडेंशियल को भी काम में ले लिया और हॉस्पिटल को भी काम में, ये छोटे सिस्टम से, फिर भी बहुत छोटे सिस्टम जहाँ डिजाइन के लिए वो मैंने घर के लिए आपको बताया। तो वेटलैंड्स कैन बी डिजाइन टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑल द प्रोसेसेस दैट अकर इन इट, वेरी इनएक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट, लैंड एरिया ज्यादा है तो उसको हमने कैसे कम किया रिसर्च के थ्रू वो मैंने आपको बताया। इनके डिजाइन ऑपरेशन क्राइटेरिया बहुत अच्छे से अभी भी अवेलेबल नहीं है, और हमने जो डीप वेटलैंड्स 2.5-3 गुना का ज्यादा वेटलैंड्स डीप बनाए उससे हम बहुत लैंड एरिया को कम कर पाए विदाउट लूजिंग एनीथिंग एंड रादर इम्प्रूविंग सर्टन रिमूवल पैरामीटर्स। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यू विल बी सरप्राइज्ड कि बिना किसी डिसइंफेक्शन के इनमें उतना ही मिला हमारे को रिमूवल जितना कि एडवांस टेक्नोलॉजी MBBR जवाहर सर्कल जो है उससे यूवी डिसइंफेक्शन के बाद, मतलब हाई टर्शियरी ट्रीटमेंट के बाद जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उन बैक्टीरिया में बचे हुए मिला उतना हमारे को वेटलैंड से बिना किसी डिसइंफेक्शन के मिल गया। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज वेटलैंड सिस्टम्स। सो नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑर्गेनिक्स के साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रिमूवल भी बेहतर मिल रहा है इसमें कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्लांट से, एंड हेंस दे कैन सर्व अ ग्रेट पर्पस, सो मिमिक द नेचर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिस्टम्स, मैनमेड सिस्टम। सो आई एम जस्ट फर्स्ट क्लोजिंग द PPT, देन आई शो यू जस्ट अ फ्यू फोटोग्राफ्स। दो तीन मिनट में फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा आपको आराम से। वेलकम, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? नहीं, अभी या वापस शेयर करनी पड़ेगी? हाँ, वापस शेयर करनी पड़ेगी सर दोबारा। ठीक है सर, अब आ गया सर। ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की वेटलैंड, अब आप देखिए ये कहीं से लगता है सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रॉ सुवेज डायरेक्टली डाइवर्टेड फ्रॉम द सीवर लाइन गोइंग टू, इसके जस्ट थोड़ा सा पास में एक सेप्टिक टैंक बड़ा सा बना हुआ है उसमें अंडर ग्रेविटी आ रहा है, उससे अंडर ग्रेविटी यहाँ आ रहा है और इससे अंडर ग्रेविटी ट्रीटेड सुवेज लेक में जा रहा है। सो नो मैकेनिकल सिस्टम्स, नो पंपिंग, नो एरेशन, लेस देन 5 BOD जो कि अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ नहीं दे सकता। और ऐसे एक नहीं 20 सिस्टम्स मेरे स्टूडेंट ने लगाए हैं, हमारे यहाँ से एमटेक किया था, IIT बॉम्बे से PhD किया, वेरी टैलेंटेड पर्सन, एंड उसको मिला था मौका बाहर जाने का, उसने नहीं लिया। ये देखिए और पिक्चर्स, आई डोंट नो ये अपने आप क्यों नहीं स्लाइड कर रहा, ये उसके दूसरे, मैं जो कह रहा था इसके ऊपर ही है, ये इसके नीचे ये सब सेप्टिक टैंक का एरिया है, यहाँ से इसमें जा रहा है, इससे इसमें जा रहा है, इससे नेक्स्ट में जा रहा है और वहां से वापस सीवेज लाइन। अब वो सीवेज बिल्कुल परफेक्ट लेक में डिस्पोज करने लायक हो गया, पहले यूट्रोफिकेशन वॉज अ बिग इशू। ये देखिए इसके और आप ये देखेंगे अल्टीमेटली कि ये मतलब इतने खूबसूरत सिस्टम्स लगते हैं कि धर्मशाला की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आने दी इन्होंने। ये कुछ, हाँ ये देखिए, अब ये धर्मशाला के खूबसूरत पेड़ और उनके बीच में ये खूबसूरती चार चांदी लगा रही है, वरना कोई ह्यूमन सिस्टम लगा देते, जैसे बूंदी का किला उसके आगे ट्रांसमिशन टावर बड़ा सा लगा हुआ था, हमारे प्रोफेसर राव पढ़ाते थे इंग्लिश, वो इतनी गालियां देते थे उस सिस्टम के लिए कि इतने खूबसूरत किले के सामने ये क्या लगा दिया तुमने, सारा बेहुदा लगता है सिस्टम, उस किले की खूबसूरती ढक दी एक तरह से। अब ये खूबसूरती बढ़ा रहा है, घटा नहीं रहा, एंड दीज आर यू सी सच सच सिस्टम्स
ये एक विलेज में लगाया हुआ है, ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट, खूबसूरती की खूबसूरती। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ हमारे आंधी वाले प्रोजेक्ट में कि हम इस तरह का एक वेटलैंड गांव में स्कूल में लगाएंगे ना, वही वही स्कूल। राजस्थान में हर एक स्कूल में हैंडपम्प, हर एक हैंडपम्प एक ऊंचे पेडस्टल पे बना होता है, और हर एक हैंडपम्प चाहे कुछ ही कर लो, कुछ ना कुछ पानी स्पिल करके पास में पॉन्ड बना हुआ, क्योंकि बच्चे लोग वो ओक से पानी पीते हैं, वहां से पंप चलाया, दूसरी जगह जाके पिया, एक ग्लास पिया और 20 ग्लास गिराया, वो एक न्यूसेंस है, क्योंकि वो सैचुरेटेड जोन बैक्टीरिया को ट्रांसमिट कर सकते, तो वो वेस्ट पानी हमारे पास अवेलेबल है, वो सीधा वेटलैंड में जाएगा। हर एक स्कूल में टॉयलेट्स हैं, सेप्टिक टैंक है, सेप्टिक टैंक का भी वेस्ट इसमें जाएगा। तो गांव में स्कूल्स में खूब जमीन है और एक ग्रीन पैच नहीं मिलेगा किसी स्कूल में, क्योंकि पानी नहीं। अब यही दोनों वेस्ट वाटर मिलके ग्रीन पैच डेवलप कर देंगे स्कूल में। एक बार शुरू हुआ, आपको सेट करने का, एग्जांपल सेट करने का, उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सिस्टम्स विल सर्वाइव ऑल बाय देमसेल्फ्स विदाउट एनी डिफिकल्टी। जस्ट अ क्लोजर लुक ऑफ कैनाडिका, ये हमारे यहाँ येलो भी है, हमारे यहाँ ऑरेंज भी है, और ये कॉम्बिनेशन भी। सो दीज आर ऑल ऑपरेटेड वेटलैंड्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई वांटेड यू टू सी, एंड इवन देखता हूँ मैं, कुछ कोशिश करता हूँ मेरी वीडियो। ये पानी निकल के आ रहा है, उसके ट्रीटेड वाटर है ये। अच्छा, आप देखिए ये इस सरफेस पे पूरा साफ बिल्कुल दिख रहा है। Good, very good, like glass. So yes, sir, it is, and it's yes. कोई open challenge है कि कोई भी best of the treatment plant है, not here alone. मैंने western world में भी बहुत सारे plants देखे हैं, US के, UK के, बहुत सारे improve भी कराए हैं मेरे visit के duration में, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती थी, और पहले तो बड़ा एरोगेंस होता था उनके पर्सन में कि किस बच्चे को भेज दिया, क्योंकि 2007 में गया था यूएस में, दो आई वाज ऑलरेडी 2007 में मेरे को 23 साल हो चुके थे पढ़ाने के, लेकिन क्योंकि 43 केजी का था तो, और एकदम घने काले बाल, तो कोई मानता ही नहीं था। प्रोफेसर बने भी मेरे को 13 साल हो चुके थे, बट जब तक आप में वजन नहीं, बाद में वजन नहीं, तो बड़े मुश्किल से पहले दिखा देते, फिर मैं उनको बोलता तुम्हारी ये प्रॉब्लम आ रही है क्या, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, हाँ सर, एंड देन ही वुड टेक स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट। मैं बताता कैसे इम्प्रूव कर, वी इंडियंस आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेट अस बी प्राउड अबाउट इट, एंड वी इंडियंस नो हाउ टू वर्क विद इन द कंस्ट्रेंट्स। तो वेटलैंड जो गाँव के लिए कहते थे, आज शहरों में आ गई है, हॉस्पिटल्स में आ गई है, घरों में आ गई है, एंड जब हमारे राजस्थान जैसे एरिया में पानी के कंस्ट्रेंट्स हैं, तो हमारे को उस सबसे सॉल्यूशंस निकालें। सो थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत ही एक्सीलेंट आपका उद्बोधन रहा, एंड इट इज सो नाइस, सो एनकरेजिंग कि आपने बहुत लोकल लेवल पे वो इको फ्रेंडली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का सॉल्यूशन, मतलब एक एक स्मॉल कंटेनर तक को भी आपने यूज करके जिस तरह से बताया है, विच माइट हैव बीन योर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, बट वो हमें जो सॉल्यूशन दे रहा है वो सॉल्यूशन आई ओपनिंग है कि वी शुड नॉट ऑलवेज कर्स द गवर्नमेंट। यस, यू नो इट्स वेरी इजी टू कर्स द गवर्नमेंट, एंड वी शुड कर्स दैट आल्सो इज फाइन, बट डजंट मीन यू डोंट यू एस्केप योरसेल्फ। यस, मतलब We are also सबसे मोटी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि पहले भाई अपने घर से शुरू करो यार। क्लेम, मैं जीरो वेस्ट हाउस में रहता हूँ, मेरा 90% वाटर रिचार्ज होता है। अब ये वेस्ट वाटर का जो सीखा है मैंने, ये इसको भी अप्लाई करना है। आई एम प्रोड्यूसिंग माय ओन इलेक्ट्रिसिटी इन माय हाउस, 100% इलेक्ट्रिसिटी एट प्रेजेंट टाइम इज प्रोड्यूस्ड थ्रू सोलर, आई एम नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग फ्रॉम पावर ग्रिड। मेरा निवेदन ये है सर, इस बात से सीख के मैं बहुत एक एनकरेजिंग स्टेटमेंट सबके लिए कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, हम में से बहुत लोगों ने सोचा नहीं होगा ठीक से कि हमारे घर के अहाते में हम पानी को
वेजिटेशन से बायोलॉजिकली ट्रीट करके और हमारे ही ऑन कैंपस के गार्डन को खूबसूरती से यूज कर सकते हैं। और सर क्या खूबसूरत आपने फ्लावरिंग प्लांट्स दिखाए हैं, इट वाज अपीयरिंग मोर लाइक एनकरेजिंग होम गार्डनिंग। मैं इंटरप्ट करना चाह रहा हूं एक बार इना गार्डन्स सर, मैं इंटरप्ट करना चाह रहा हूं। अभी मैंने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जयपुर के सब सब बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, क्योंकि एक जमाना था सिविल इंजीनियर्स को सो कॉल्ड गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रही थी तो वो बिल्डर बन गए। ये वर्ल्ड ट्रेड पार्क अनूप बरतारे ने बनाया, वो भी मेरा स्टूडेंट रहा हुआ है। पर्ल सीरीज, इनको मैंने कहा है जो भी नई मल्टी स्टोरीड कॉम्प्लेक्स बनाओ उसमें जो ग्रीन बेल्ट डेवलप करोगे उसका जो लोएस्ट पोर्शन पे वेटलैंड डालो, क्योंकि वेटलैंड में आप फिजिकली अंदर नहीं जा सकते, बस इतना ही फर्क है। बट इट शुड बी मर्ज विद, यही हम सेक्रेटेरिएट में करने शुरू कर रहे हैं। मैंने 1997 में गोल्फ क्लब में, वहाँ पे वो लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, उनको जवाहर नगर नाले से थ्रू अ प्राइमरी ट्रीटमेंट ये करवाया था। मिलिट्री एरिया से वहाँ के ब्रिगेडियर मेरे पास आए थे, उन्होंने भी सुवेज को ट्रीट करके अपना, मैंने कहा बार बार ये मत बोलो कि मैं फिलेंथ्रोपिक हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, ये मत बोलो, आपको अपने गोल्फ क्लब को मेंटेन करना है ना। कहते हैं हाँ सर, मिलिट्री पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ गोल्फ, और उन्होंने वही ट्रीटमेंट प्लांट लगाए और है। तो जहां आपको प्लान करना है वहां वेटलैंड्स को मर्ज करना बड़ा आसान, ये कहना चाहता हूँ। प्लानिंग स्टेज पे कर लिया मर्ज तो बड़ा आसान है, बाद में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं मल्टी स्टोरीड कॉम्प्लेक्सेस में, बट ग्रीन बेल्ट्स को प्लान करके आप करिए, इससे खूबसूरत आपको लैंडस्केपिंग नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, ग्रेटली वी आर वेरी एनकरेज्ड टू हियर ऑल दिस। और मैं अभी इतना सा एक थोड़ा सा मेरा दर्द आपको शेयर कर देता हूँ सर, कि मैं पिछले 2-3 साल से थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी कर रहा था, और अभी मैंने जयपुर का वेस्ट सिस्टम देखा, तो जो वेस्ट डंपिंग यार्ड है वहाँ पे भी हमारा जो सिटी का वेस्ट जिस तरह से सेग्रीगेटेड जाना चाहिए, जिसका कोई कॉस्ट नहीं है सर, जीरो कॉस्ट है, वो भी वहाँ नहीं जा रहा। आपने ब्रह्मपुरी एसटीपी का एग्जांपल दिया सर, वहाँ पे भी अपना जो ये सिस्टम है ये पूरा बंद पड़ा हुआ था सर, तो अभी जल महल की हालत थोड़ा सा वापस डिटरेशन की तरफ है। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ सर कि जब एक बार सिस्टम बन जाता है, एक बार सिस्टम हो जाता है, तो ऐसा क्या कारण आ जाता है कि मतलब बहुत छोटी सी चीजें भी हमारी फेल हो जाती है सर, आप इतने बड़े सिस्टम्स में रहे हैं, तो लोग क्या कन्विंस नहीं होते हैं या कुछ मतलब चैलेंज आ जाता है? आई मीन फॉर ए स्मॉल मनी जेडीए और कुछ पीएचडी के बीच में मिलके वो चल नहीं रहा था सर, तो खैर एनीवे सर आपको पता होगा, तो वो कुछ स्पेसिफिक इशू इन द लाइंस बोलूंगा। हां सर, मैं कुछ बिटवीन द लाइंस बोलूंगा सर। वो कहते हैं ना, सम आर वाइज सो हाउ अबाउट अदर्स, देयर अदरवाइज वाइस सब होते हैं, तो आप समझ लिए। मेरे पास आज से 12 साल पहले डॉक्टर वी एस सिंह, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनवायरमेंट थे और चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थे, मैं मेंबर था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, ऑप्टेड मेंबर, फिर मैंने मना किया 3 साल सर्व करके, मैंने क्योंकि मेरा प्राइमरी काम तो यही है, मैंने कहा एक्स्ट्रा टाइम मैं थोड़ा सा दे सकता हूँ। तो उनका फोन आया कि एक प्रपोजल आया है पीएचईडी की तरफ से, देलावास के 125 एमएलडी में से 70 एमएलडी को टर्शरी ट्रीट करके वापस जयपुर लाएंगे, ताकि हम जवाहर सर्कल और सेंट्रल पार्क वगैरह बड़े बड़े सब पार्क्स को मेंटेन कर सकें। टेलीफोन पे बात चल रही है कि व्हाट इज योर इमीडिएट टेक अबाउट इट। मैंने कहा कि सॉरी, मैं आपको गोल्डा मायर द ग्रेट आयरन लेडी ऑफ इसराइल, उनका स्टेटमेंट, उनका वोट मैं बताऊंगा। Genius and stupidity have one difference. Genius has its limits. तो दिल खोल के ऐसे, यार ऐसा क्या इतना हार्श कमेंट कि ये स्टुपिडिटी की लिमिट थी वो प्रपोजल। तो मैंने कहा देखिए सर, 40 किलोमीटर दूर ग्रेविटी से जा रहा है, डिफरेंट पार्ट से जयपुर के आके देलावास, ग्रेविटी से जा रहा है मतलब नीचे जा रहा है। अब उसको 70 को एमएलडी को टर्शरी ट्रीट करके नई पाइपलाइन डालोगे जयपुर में, सब जगह खोद दोगे सड़कें, और उससे फिर लॉन्स को इरिगेट करोगे, रास्ते में पहले ही टेक्सटाइल वेस्ट वाटर मिल रहा है जो टर्शियरी ट्रीटमेंट में भी नहीं जाएगा ढंग से, और फिर जयपुर के पानी को लॉन्स को उससे इरिगेट करोगे, तो सब हैवी मेटल पोल्यूशन, डाई पोल्यूशन यहाँ के एक्वीफर में भी हो जाएगा।
कहने फिर क्या करना है। मैंने कहा सर 70 MLD की एक प्लांट की जगह 70 प्लांट्स एक एक MLD के हम बनाएंगे। कैसे? जहां सीवर लाइन जा रही है पार्क आया वहां एक MLD उठाया, हाई एंड टेक्नोलॉजी लाए, नॉट ASP एक्टिवेट स्लग प्रोसेस नहीं, जो कि सबसे पुरानी प्रोसेस है और एफिशिएंट नहीं है, और उसके बेस पे जलावास बना हुआ है, और मैं कहा टर्शियरी ट्रीटमेंट अच्छा सा नहीं हो पाएगा। तो वहीं की वहीं आपने पानी उठाया एक MLD, MBBR या RBC लगाया, ट्रीट किया, मेंटेन किया पार्क को, एंड वापस बरसात में नहीं चाहिए वापस भेज दिया। तो 12 साल से जवाहर सर्कल उसी पे मेंटेन्ड है 12 साल। आज जवाहर सर्कल जाइए बरसों से कितना खिला हुआ रहता है पूरा, बिकॉज सीवेज में नाइट्रोजन फॉस्फोरस सब मिल रहा है। ट्रीटमेंट देलावास से मच बेटर है क्योंकि हमने MBBR विद UV डिसइंफेक्शन लगवाया हुआ है। 4 प्लांट्स लग गए उनके रहते हुए और खूब बढ़िया चल रहे हैं। 70 बनने थे, जैसी उनकी अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में डेथ हुई, इंजीनियर्स ओनली लव बिग प्लांट्स, मैंने यही कहा, उसके आगे मैं नहीं बोलूंगा। और हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में तो बहुत अच्छे हैं, किसी भी सरकारी सिस्टम में, आप भी सरकारी सिस्टम से निकले हैं और मैं अभी भी सर्व कर रहा हूँ क्योंकि 65 साल उम्र है हमारे यहाँ रिटायरमेंट की। हमारे यहाँ कोई भी नई चीज खरीदने के लिए सब आतुर रहते हैं, तो बड़ी जल्दी खरीद ली जाती है। मेंटेनेंस कोई भी ध्यान नहीं रखता, ना बजट में मेंटेनेंस का पैसा होता है, ना रखना चाहते हैं। मेंटेनेंस हमारे हर सिस्टम की निगलेक्टेड रहती है, बिकॉज हर एक जने का इंटरेस्ट होता है या खराब हो जाए तो नया खरीदें। अब क्यों, आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग। I have very encouraging experience कि मैं 20 साल 25 साल पहले पुणा गया था, उसो आश्रम के पीछे एक ड्रेनेज सिस्टम था, सिटी का पानी सीवरेज आता था और 1-8 किलोमीटर के नाले के बाद एक बार जस्ट गोइंग वेरी प्योर विदाउट कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं था, सिर्फ थोड़ा ड्रॉपिंग एरेशन वेजिटेशन यही सब कुछ था। तो बहुत encouraging था सर। I invite other people to make their comments. कई बहुत डिग्निटरीज आज यहाँ पे हैं, रेणु कौली मैम हैं, डॉक्टर गर्ग साहब हैं, सुनील दुबे जी हैं, डॉक्टर बी सिंह, आई इनवाइट सिखावटी से डॉक्टर बी सिंह आज आपने ज्वाइन किया है, वेलकम। और भी कई लोग हैं, सोम दत्ता मैम हैं, सो एनीबडी इज वेलकम प्लीज। हमारे पास करीब 10 मिनट और है, 7:30 इंटरनेशनल वेबिनार शुरू होगा, तो वी हैव अबाउट 10 more minutes, एनीबडी वेलकम प्लीज। अपना हाथ रेज कर सकते हैं या अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। अच्छा बोलिए, आपका अनम्यूट है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब जो गुप्ता साहब हैं उनको बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही सरल शब्दों में, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मुझे लगी कि अब तक हम जैसा सोचते रहे थे कि जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स और डॉक्टर्स होते हैं वो केवल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सॉल्यूशंस ही सोचते हैं, लेकिन इन्होंने बायोलॉजिकल सॉल्यूशन के बारे में बहुत अच्छा एक अध्ययन किया, अध्ययन नहीं किया बल्कि उसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट ही नहीं किया बल्कि पॉलिसी प्लानर्स को बताया, तो इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि नेचुरल इंजीनियरिंग दैट इज द प्लांट्स इटसेल्फ आर इंजीनियर्स ऑफ द डिफरेंट काइंड, है ना। अब एक बात जो डॉक्टर साहब ने कही थी कि जैसे बहुत सारे प्लांट्स हम लगा देते हैं और ग्रो करते हैं, लेकिन अगर जो है उसका पीरियोडिकल रिमूवल ऑफ द प्लांट्स विच आर टेकिंग द आई मीन मैक्रोफाइट्स जो है मेनली, not microphytes or not the, I mean, bacteria, etc. उसका अगर periodical removal हम करते रहें और उसकी एक definite designing अगर हम कर लें तो that be really very fine, in the sense कि वो जो removal किए हुए plants वगैरह हैं उनको हम bio waste और bio fertilizer के रूप में कहीं भी use कर सकते हैं, compost कर सकते हैं, और भी बहुत सारे methodology हो सकती है, तो एक पूरी recycling की methodology develop करने की मेरी opinion में आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you.
थैंक यू सर। हेलो, हाँ नमस्कार सुनील। हाँ गुड इवनिंग सर। सर कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। जो कैना इंडिका के जो ट्रीटमेंट और उसके जो फोटोग्राफ्स और वो सब आपने बताए थे, और उससे पहले आपने चर्चा करी थी कि जो मैक्रोफाइट्स और वो सब हैं वो भी आपने यूज किए ट्रीटमेंट प्लांट्स में। मेरा बस एक सिंपल क्वेरी है कि क्या इनकी कोई कंपैरेटिव स्टडीज की जो एक्वेटिक मैक्रोफाइट हैं, टाइफा, आइकॉर्निया, सेल्विया या और भी जो भी हैं, इनकी वर्सेस कैना इंडिका, इनकी जो हैवी मेटल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी या जो ट्रीटमेंट कैपेसिटी है इन सेम यूनिट वॉल्यूम, सेम स्टैंडर्ड साइज एंड अगर संभव है तो सेम सीवेज, ऐसा कुछ कंपैरेटिव कुछ है? क्योंकि ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि कैना इंडिका बीइंग अ मींस वेरी गुड फ्लावरिंग प्लांट एंड ऑर्नामेंटल प्लांट कैन बी अ वेरी गुड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सो इसके बारे में कुछ है आपके पास, मतलब इसका कोई कंपैरेटिव है या? अगर आप गूगल से भी देखें तो एकोनिया कैना इंडिका फिग्मेटिस सबसे कॉमनली यूज वेटलैंड प्लांट्स, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स, आई एम नॉट सेइंग नेचुरल वेटलैंड्स। नेचुरल वेटलैंड्स में आपको हाइड्रोपोनिक वाली वैरायटीज बहुत सारी मिलेंगी जिसको कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स में अभी तक ज्यादा यूज नहीं किया गया, और ये तीनों प्लांट्स इसीलिए हैं कि इनका लीफ एरिया काफी होता है। और आपको हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स मिलेंगे, गूगल से भी सर्च करेंगे तो रिसर्च पेपर्स भी मिलेंगे। अभी इनफैक्ट कल ही मैंने अपने एमटेक स्टूडेंट को बोला है जिसने करीब 53-54 वेटलैंड प्लांट के सिस्टम्स के कंपैरेटिव थ्योरेटिकल एनालिसिस वो कर रहा है, जिसमें हमने ऑर्गेनिक्स रिमूवल, नाइट्रोजन रिमूवल, फॉस्फोरस रिमूवल की बात की है। मैंने कहा कि इनमें हमारे पास दो ही के हैं, फ्लेगमाइटिस एंड कैना, क्योंकि सबसे कॉमनली यूज होते हैं। तो मैंने कहा दोनों को सेपरेट करो और फिर अपॉर्चुनमेंट करो कि कंपैरिजन करो कि किस में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। नाउ अगर हम इसके मेकेनिज्म पे जाए, प्लांट्स हार्डली उसमें 8-10% ही रिमूव करते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस को, बाकी सारे बैक्टीरिया करते हैं, है ना। लेकिन प्लांट्स के ड्यूअल रोल है। प्लांट्स ना केवल खुद एसिमिलेट कर रहे हैं नाइट्रोजन फास्फोरस को, बट दे आर प्रोवाइडिंग गुड कंडीशंस फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो। सो उनके रूट सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है। हमने रूट के बैक्टीरिया भी निकाले, हमने सॉइल के बैक्टीरिया निकाले, हमने ग्रेवल पेबल बेड्स के बायोफिल निकाल के असेस की। तो ये दोनों प्लांट्स सबसे ज्यादा इसीलिए यूज हो रहे हैं कि एज अ साइड की लीफ एरिया ज्यादा है, लेकिन उनके रूट को इम्प्रूव करने के लिए क्या हम और प्लांट्स भी यूज कर सकते हैं, यही मैं निकलवाना चाह रहा हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस नेग्लिजिबल रहेगा, क्योंकि प्लांट का डायरेक्ट रोल तो कम है लेकिन इनडायरेक्ट रोल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे नए सिस्टम्स हो सकते हैं। आई बीन वर्किंग ऑन एनामॉक्स बैक्टीरिया, एनारोबिक अमोनिया ऑक्सीडेशन। कभी ये संभव ही नहीं माना जाता था। 1995 में जब पहला नेदरलैंड से पेपर आ रहा था, उन्होंने मेरे पास भेजा कि यू आर कमेंटिंग ऑन आवर पेपर्स आफ्टर दे पब्लिश। तो उसका ये पहला इतना लार्ज स्केल यूज मैंने बताया वेटलैंड्स में कि कैसे एनामॉक्स बैक्टीरिया को यूज कर सकते। ऐसे ही एक डिसिमिलेटरी नाइट्रेट के एक नए तरह का जो अमोनिया की तरफ जा रहा है रूट, वो बैक्टीरिया कोस्टल वेटलैंड्स में काम कर रहे हैं अच्छे खासे, तो क्या हम उसको भी यहाँ सिमुलेट कर सकते हैं। फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया एनएरोबिक सिस्टम में आते हैं और फॉस्फेट एक्यूमुलेटिंग बैक्टीरिया एरोबिक वाले ज्यादा अच्छे होते हैं। तो मेरे डीप वेटलैंड डालने से सरफेस एरिया कम हुआ, ऑर्गेनिक्स रिमूवल पहले ही हाईली अंडरलोडेड सिस्टम से तो जरा भी नुकसान नहीं हुआ, नाइट्रोजन रिमूवल इम्प्रूव हो गया, अब हम फॉस्फोरस पे आ रहे हैं। तो प्लांट्स के ड्यूअल रोल है, खुद तो जो एसिमिलेट कर रहे हैं, दूसरे प्रोवाइडिंग गुड कंडीशंस इन द रूट जोन। अब हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करें कि क्या प्लांट्स मेजर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इन द सब सरफेस एरिया वेयर बैक्टीरिया आर प्लेइंग द मेजर रोल। सो इन सब के लिए पहले अपॉर्चुनमेंट्स करने, हमने ये अपॉर्चुनमेंट्स नाइट्रोजन के लिए करे जो बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी में पब्लिश हुए, 8+ इम्पैक्ट फैक्टर का बहुत हाई रैंक जर्नल है, और अब उसको और चीजों के लिए कर रहे हैं। दीज थिंग्स आर स्लो, रिसर्च के अपने
आ रहे हैं. मैं तो पहले 20 इयर्स तो आई वाज एंटायरली इनटू मेडिकल रिसर्च, आई हार्डली डिड एनी सिविल इंजीनियरिंग. अब टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं क्योंकि मेरे सारे डॉक्टर फ्रेंड्स वर क्वाइट एल्डर टू मी, दे ऑल हैव गॉट रिटायर्ड, वरना मेरे पीडियाट्रिक्स, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन के जर्नल्स में ज्यादा पेपर्स हैं देन द इंजीनियरिंग जर्नल्स. तो मजा है जिंदगी में, जो अवेलेबल है उससे बेस्ट करना चाहिए, वही मैं हमेशा सबको मैसेज करता हूँ. सर मैं एक आपके और गैदरिंग के ध्यान में डाल रहा हूँ, स्पेशली एनसी जैन सर के. मैं झुंझुनू में झुंझुनू बीड कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर हुआ, जो पहले रिजर्व फॉरेस्ट ब्लॉक था और वहाँ सिटी का पूरा सीवेज जाता था. मैंने वहाँ एनवायरमेंटल साइंस एमएससी पढ़ाया 7 साल और मेरे बच्चों को बीड में रिसर्च के लिए झोंका. उसमें जो पहले सीवेज से वेटलैंड जो बनी हुई थी बीड में, वहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स और ये सब आते थे, तो उसको लेकर के हमने स्टडीज और वो सब करना शुरू किया. प्लस जो पॉल्यूटेंट आते थे ज्यादातर डाइज से भरे हुए, वो जो अंग्रेजों के मोहल्ले से आते थे और वो सब आते थे वहां पर. और वो अभी वहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है, अपने कंप्लीशन पर है. और झुंझुनू रिजर्व फॉरेस्ट ब्लॉक भी जो है अब कंजर्वेशन रिजर्व हमारे प्रयासों से बन गया है. उसके बाद अब उसमें ब्लैक बक चिंकारा भी रिलीज करवाने के लिए प्रयासरत है. अब उसके साथ ये है कि जो ट्रीटेड वाटर है दैट इज सपोज टू बी यूटिलाइज्ड इन मींस अ बेटर मैनेज्ड वेटलैंड्स विद इन द बीड कंजर्वेशन एरिया. और वहां सेल्वेडोरा जो है पीलू, जिसको लोकली जाड़ कहते हैं, जो ऑलरेडी मैंग्रोव प्लांट है सर, वो वहां बहुत शानदार स्टैंड है, बहुत शानदार स्टैंड है. अब मैं जस्ट सबमिट कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहां नहीं रह रहा, आपके ध्यान में डाल रहा हूँ. और वो चूंकि एक फॉरेस्ट एरिया के अंदर, सेमी एरिड जोन के अंदर बनी हुई वेटलैंड है जिसका यूज हो रहा है वहां सिंचाई के लिए भी, वहां वेटलैंड बर्ड्स के लिए भी, शानदार एवियरी वहां पर, वो उनके हेरनरी है जहाँ वो परचिंग, रूस्टिंग, ब्रीडिंग करते हैं वहां सेल्वेडोरा के साथ में. और वहां क्या ट्रीटमेंट मतलब पानी की क्वालिटी या कुछ रह सकता है, अगर वहां कुछ स्टूडेंट्स को भेज सके देखने के लिए तो मेरा रिक्वेस्ट है. और सेल्वेडोरा अपने आप में वहां कैसे रोल प्ले कर सकता है, जो सारी एनालिटिकल टेक्निक्स आपने बात करी वो मैं समझ रहा हूँ, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा उस पर कुछ ध्यान दे सके तो बहुत मेहरबानी. अपन मिलकर ध्यान दे सकते हैं, बात ही नहीं है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. और नेचर से ही लर्न करना. अब नेचुरल वे में अगर मैंग्रोव उस तरह डेवलप्ड है उस पर, तो हमारे को कहीं एक्सोटिक प्लांट को लाना ही नहीं है. एक एक्सोटिक प्लांट लाए थे 4 डिकेड पहले, वाटर एसेंस, जिसने बर्बाद किया हमारे एनवायरमेंट को. बायोडाइवर्सिटी स्टडी से हमने तो उसको कंजर्वेशन रिजर्व बनवा दिया. Exactly, और ब्लैक बक चिकारा भी ला रहे हैं. अब उसमें यह है कि वेटलैंड के लिए अगर इस तरह की स्टडीज, क्योंकि अब मैं वहां नहीं हूँ, नहीं तो मैं मेरी लैब भी ऑफर कर देता आपको, मेरी एनवायरमेंटल साइंस की. लेकिन अब ये है कि अगर ये फर्दर ये वेटलैंड की और जो ट्रीटमेंट कैपेबिलिटी, जो नेचुरल ट्रीटमेंट, सो एरिड जोन के अंदर जो, क्योंकि पीलू वहां का मेजर है जो सीकर में झुंझुनू चूरू और फिर ऊपर तक जो फैला हुआ है, उसका रोल सामने आ जाएगा. उस पे इस तरह की स्टडीज मुझे नहीं लगता ज्यादा है. @MNIT जो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है, .ac इसको एकेडमिक्स, .IN फॉर इंडिया. वो मैं दे दूंगा सर सुनील को, आई गिव हिम. और वील सुनील स्पेसिफिक काम करना है, इट्स वी आर नॉट लीविंग हियर, आपको छोड़ने वाले नहीं है, चिंता मत करो. और देयर विल बी वेरी स्पेसिफिक थिंग्स वी विल बी डूइंग. आपने इतना इंटरेस्ट से आप आ रहे हो. डॉक्टर साहब ने कहा था कि है ना, ये कैसे एंटर किए आप बायोलॉजिकल साइंसेज में सिविल से, वो लाने वाले प्रोफेसर नाथावत थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के, और वो एनवायरमेंटल साइंस प्रोग्राम शुरू किया था. मेरे को कहते हैं बेटा मेरी लैब्स डेवलप करा दो. मैंने कहा नहीं सर, मैं स्टूडेंट होकर आया, तो मैं टीचर था यहाँ ऑलरेडी, एक लेक्चरर था. तो कहते हैं यार मेरे को तो पब्लिश, मेरे को तो एडवर्टाइज करने के लिए अच्छा हो जाएगा कि एमआरसी का लेक्चरर भी यहाँ था. ही चेंज माई लाइफ एंड देट इज द आंसर टू गर्ग साहब ऑब्जर्वेशन की मैं कैसे पूछा. तो सुनील जी आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू. सर मैं बस 2 मिनट. खुशनाथ सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं आप बोल रहा हूँ, उसके बाद में मैं थोड़ा डॉक्टर बी सिंह जो सिखावटी कॉलेज से आया. आई एम नॉट सर, आपका टाइम हो रहा है 29 हो गया है.
सर मैं कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के सामने, आप लोग बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं सर, मैं एक बच्चे स्टूडेंट सर, मेरे को बस इतना पता चला है कि सर आप लोगों की इन बातों से, अभी सर मैंने थोड़ा लेट सेशन ज्वाइन करा था तो सर मैंने ये देखा है कि सर है ना अधिकतर लोग जो है सर वो एनवायरमेंट के प्रति नहीं भागते, उनको क्या बनना है डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बनना है, उनको बस एक मोटी गाड़ी चाहिए, एक मंगला चाहिए, आराम से बीवी बच्चे खुश रहे, अपनी लाइफ सेटल है। लेकिन अपन ने जब से अपना इवॉल्व हुआ है ह्यूमंस का, अपन लोगों ने प्रकृति से लिया है, कुछ दिया ही नहीं है। Our hands are always up with palms facing upwards to gain more and more, never downwards to give more and more. सर मैंने ये सर मैं ये देखता हूँ कि सर है ना अब सर आप लोगों की बातों से देख के सर आज हमारे स्कूल में एक सेशन हुआ था जिसमें सर हम पे एक करियर सेशन हुआ था एक कि आपको क्या बनना है स्कूल में आगे जाके, तो सर अधिकतर बच्चे यूथ है कि मेरे को तो डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। सर है ना किसी ने भी सर है ना प्रकृति से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया। लेकिन सर है ना मेरी एक मैम है सुनैना मैम, उन्होंने है ना मेरे को इस ग्रुप में जोड़ा यूबीएफ वाले ने, और सर उन्होंने मेरे को बताया कि तू एक बार इस सेशन को अटेंड कर, तो सर मैंने अभी सेशन अटेंड करा, सर मेरी तो मतलब आंखें खुल गई सर, अपन ने प्रकृति से कितना लिया दिया कुछ भी नहीं है, तो ये इंडस्ट्री बनाया अभी यहाँ पे कुछ नहीं है सर। तुम्हारा नाम ही खुशराज है, बहुत अच्छा तुमने बोला, और एक अच्छा मोटिवेशन चाहिए इंसान को अपनी जिंदगी के लिए, और ऐसा कि करियर सभी डायरेक्शंस में बिन जाते हैं और उस करियर की दौड़ में ज्यादा कुछ है भी नहीं, है तो जिंदगी प्रकृति के साथ जीने में ही है। तो बहुत अच्छा तुमने बोला और थैंक यू, बने रहो और अपन इस पे काफी काम करने वाले हैं, चिंता नहीं करें। मैं एक बस एक लास्ट आज स्पेशली अगर डॉक्टर जीत सिंह कुछ कमेंट कर सके, शेखावाटी कॉलेज से आप आए हैं तो कैन यू से समथिंग बिकॉज़ वी हैव नेवर मेट, और गौतम घोष अदरवाइज अपना 7:30 पे उधर जो है इंटरनेशनल वेबिनार शुरू हो चुका है, मैंने उधर ऑलरेडी लिंक कर लिया है, तो आप लोग भी यूट्यूब लिंक जो मैंने दिया है क्लिकेबल लिंक है वो शुरू होने वाली है उधर, तो आप वो भी जरूर अटेंड करें। So let us have these last one or two comments, otherwise we want to close it now. Ritu, bolna cha rahi hai kuch? Yes sir, I am from Kanodia College. Sir, I am from Kanodia College. Name aapka video nahi dikhega jab tak hame thodi malum padega. Okay sir. Chaliye. Bolte rahiye ha. सर मैं कनोडिया कॉलेज से हूँ और मैं जस्ट जानना चाह रही हूँ कि इस टाइप का मॉडल हम कॉलेज में भी डेवलप कर सकते हैं क्या, यहाँ हमारा इतना वो नहीं, मतलब स्टूडेंट कैपेसिटी काफी है बट हॉस्टल्स वगैरह भी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम इस टाइप का कुछ मॉडल कॉलेज वगैरह में डेवलप कर सकते हैं? जरूर मैम, जरूर कर सकते हैं। आ जाइए हमारे यहाँ, हम अभी बनवा ही रहे हैं, और दो गर्ल्स हॉस्टल के जो सलेज है हमने ड्यूअल पाइप सिस्टम बना रखा है, तो बाथरूम्स का वाटर, नॉट टॉयलेट, बाथरूम्स का और किचन का वाटर वेटलैंड से होके पास होएगा और वो फ्लशिंग में काम आएगा, और सीवेज ऑलरेडी हम ट्रीट करके पूरा ग्रीन बेल्ट मेंटेन ही कर रहे हैं। एक पायलट प्लांट हम अपने यहाँ लगा रहे हैं, वो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये वाला कंस्ट्रक्शन सीपीडब्ल्यूडी का थोड़ा डिले हो रहा है लेकिन जल्दी ये भी पूरा हो जाएगा। फिर जैसी आपको वेटलैंड दिखाई गई थी वैसी हमारे गर्ल्स हॉस्टल के सामने लग जाएगी। सर नमस्कार, रजनीश बोल रहा हूँ सर, मैं यही की ऋतु जैन के साथ ही बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए बोलिए सर, आपका फेस भी देखने दीजिए। ऋतु जैन के साथ ही यहाँ से बोल रहा था मैं। बोलिए। और सर के साथ मैंने बहुत काम किया है, यस सर। तो मेरा सर सिंपल सा एक क्वेश्चन था कि जैसे इनका तो इंटरमिटेंट जो फ्लो है वो काफी वेरिएबल रहेगा, तो उसमें ये वेटलैंड का फिर फ्लो कैसे मेंटेन रहेगा? एक्चुअली अभी जैसे मैंने कहा यहाँ जो हम पायलट बना रहे हैं, अरे अच्छा रजनीश आप हो क्या? यस सर, जी सर। आई हैव टॉट हिम फ्रॉम 1984 to 87 एंड ही इज वन ऑफ द most efficient persons from RPCB. Rajesh sir, हम लोग हमारा 0.2 MLD वाला जो RBC है उसका एक part ये सब हम सिर्फ 10 KLD के लिए लगा रहे हैं, तो it's a small fraction of the total. एक तो ये चीज़ है। दूसरा
हमेशा एक होल्डिंग टैंक तो रखते ही हैं ताकि यूनिफॉर्म रेट पे हम लोड करें कोई भी सिस्टम को। तो आप थोड़ा इंजीनियरिंग पार्ट समझना चाह रहे हैं, जो हो सकता है बाकी ऑडियंस में लोग अभी उसको ना समझ पाए, बट गर्ल्स हॉस्टल से जो सेले जा रहा है उसको इकट्ठा करके और कॉन्स्टेंट लेवल पे हम उसको लोड करते हैं सिस्टम को। तो फुल स्केल में भी सेप्टिक टैंक में एक रिटेंशन टाइम मिल गया, वेटलैंड का खुद का रिटेंशन टाइम बहुत ज्यादा है, तो फ्लक्चुएशंस को इजीली इक्वलाइज कर लेता है। सर मेरा इसमें एक और क्वेश्चन था जो मैं मतलब समझना चाहता था, इफ यू हैव टाइम, कि मैंने आना सागर में भी वेटलैंड का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस तरह के जो वेटलैंड से क्या डायरेक्टली अपन स्ट्रीम में नहीं दे सकते क्या? इनफैक्ट इंसिटू बायोरेमेडिएशन को ही मैंने रेकमेंड किया था दो तीन स्ट्रीम्स में जो ज्यादा पॉल्यूटेड थी, जो टुवर्ड्स आना सागर आ रही थी। ऑलमोस्ट टू इयर्स बैक आरयूआईडीपी, ज्यादा हो गए शायद 3-4 साल हो गए आरयूआईडीपी में, क्योंकि तालकटोरा रेस्टोरेशन में हमने जो चीज सजेस्ट की थी उसमें ये भी आया था। तो बड़े अच्छे प्रेजेंटेशंस हुए इंसिटू बायोरेमेडिएशन के, एंड दैट आई हैड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर ओनली सेलेक्ट 2-3 स्ट्रीम्स। हमारे एक मेरा एक फ्रेंड है यूएस में, प्रोफेसर है पेंसिल्वेनिया स्टेट में, उसने बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया अक्रॉस द स्ट्रीम, जो पुराने फाइबर्स प्लास्टिक के ये सब वो उसमें डिप करके रख दिए फ्लोइंग स्ट्रीम में, उसमें बैक्टीरिया डेवलप हुए और एंड तक पहुंचते पहुंचते बहुत अच्छा ट्रीटमेंट तो उसमें ही हो गया। तो देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन इनोकुलेट बैक्टीरिया वंस, बट यू हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर कंडीशंस सो दैट दिस बैक्टीरिया नीड नॉट बी इनोकुलेटेड अगेन एंड अगेन, क्योंकि फिर वही मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। तो दे शुड बी गिवन सच एन एनवायरमेंट दैट दे आर एबल टू सस्टेन, तो सस्टेनेबल फॉर्म में हम बिल्कुल लगा सकते हैं इसको। सर तो मतलब अपन इसमें कोई इस तरह के पॉलिसी इनिशिएटिव नहीं आ रहे, क्योंकि आप लोग लेंगे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में बैठ के पॉलिसी इनिशिएटिव के लिए टीचर को पूछेंगे, ऐसा गलत है। सर बेहतर हम यू शुड स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव्स एंड आई एम श्योर पीपल विल कम विद यू वंस पॉलिसी कम्स। ये भी तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लेके आया था कि क्लोरीनेशन जरूरी है 2017 में, आज कर रहे हैं ना, उससे मैंने एडवांटेज लिया, एनजीटी में सजेस्ट करना शुरू किया कि अब आप ट्रीटेड सीवेज को आप इंडस्ट्री के काम में लो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट उस पर हो चुका है अप टू क्लोरीनेशन। नाउ उस पर एडिशनल थोड़ा सा कॉस्ट लगाना है और आपको पानी सीधा मिल रहा है लो टीडीएस बोल रहा हूँ मैं। अली की इंडस्ट्रीज 5,000 TDS का पानी 50 किलोमीटर दूर से ग्राउंड वाटर से ला रही है, वो भी खत्म हो जाएगा। जवाई सागर डैम से उनका ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है सीवेज में, उनके 800-900 PPM TDS। उसको ट्रीट करो और यूज करो, लिखा हुआ है मेरा और एनजीटी ने इसको एनफोर्स किया हुआ है। तो आप निकाले जाओ अच्छे स्टैंडर्ड्स और उसके लिए सिंसियरली एफर्ट करो, मिल जाएगा। बहुत अच्छा रहा सर, और आई थिंक आई वुड अर्ज कि अब हम इसको क्लोज करें, बिकॉज एट द सेम टाइम एक जो इंटरनेशनल वेबिनार है आज वेटलैंड डे के संदर्भ में वो शुरू भी हो चुकी है, मैंने उसको लिंक भी कर लिया है। तो आप सभी लोगों से अपील है कि मैंने अपने मैसेजेस में उसका YouTube लिंक दिया है, क्लिकेबल लिंक है जो PDF फाइल है उसमें, एनीबडी कैन क्लिक एंड ज्वाइन। और आप जरूर सबका आने का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जो है हम 11 बजे से रहेगा, और टुमारो वेटलैंड डे है, हम हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड से लेके और लोएस्ट प्लेन की वेटलैंड तक की इकोलॉजी के बारे में समझेंगे। और वेटलैंड का जो ओवरऑल आज डॉक्टर साहब ने जो दिया है, वेस्ट वाटर को अगर हम ट्रीट कर लेंगे तो हमारी जो वेटलैंड बर्बाद हो रही है वो रुक जाएगी, रेस्टोर हो जाएगी और पानी का बहुत कंजर्वेशन हो जाएगा। लेकिन जो फॉरेस्ट एरियाज में, बड़ी रूरल एरियाज में और वेटलैंड्स हैं वहां पर भी बड़े सारे इश्यूज हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड देम टुमारो, और कल शाम को 5 बजे जो भी लोग क्विज में भाग ले रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्विज रहेगा, चारों 2-3 मिनट पहले आपको क्विज का लिंक मिल जाएगा। सो ऑल आर वेलकम, थैंक यू वेरी मच, और गुप्ता साहब बहुत बहुत आभार। इट वॉज ए वंडरफुल, जैसे जैसे सुनता हूँ एक अंदर से बहुत जबरदस्त मोटिवेशन आता है। और नाउ वी आर डिवोटिंग आवर टाइम टू वर्क ऑन सम रूरल वेटलैंड्स एज वेल एज अर्बन एरियाज में, कुछ ऐसा करना चाहेंगे
और इसका मैं एक ही सॉल्यूशन देखता हूँ कि सर टिल वी हैव गुड नंबर ऑफ पीपल हु आर अवेयर, तब तक वो सिस्टम को लगातार चलाने का काम जो नहीं हो सकता। इसीलिए दिस इज माय अपील कि एवरीवन शुड टेक इंटरेस्ट, ये कोई रिमोट चीज नहीं है, आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है। आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत थैंक यू, और आपसे मिलते रहेंगे, मदद लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। विक्रम सिंह जी अभी तक बने हुए हैं, सभी लोगों का मैं किसी पर्टिकुलर नाम से नहीं वो करना चाह रहा हूँ। रितु मैम आपका भी बहुत आभार, आप जरूर आपके कॉलेज में करिए, आपका अच्छा कम्युनिटी है। और डॉक्टर बी सिंह जो सिखावटी कॉलेज से है, उनका गौतम घोष, आई डोंट नो वेयर फ्रॉम यू आर, और सभी का, डॉक्टर हिमा, डॉक्टर साक्षी, शारदा सिंह, एवरीबडी, आई थैंक एवरीवन फॉर पार्टिसिपेशन एंड एनकरेजमेंट। यंगस्टर्स को भी एनकरेज करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, आई टेक परमिशन टू क्लोज द मीटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।